अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। मेरा नाम है खिजर वसीम और आप देख रहे हैं क्रिक एनालिसिस शो। और आज की वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं टॉप 3 क्रिकेट न्यूज़। जो सबसे पहली खबर के बारे में हम आपको बताएं तो जो पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का फर्स्ट ODI मैच खेला जाना है 17 सितंबर से, तो उसमें जो पाकिस्तान की प्लेइंग 11 होगी उसके बारे में हम आपको बताएंगे। इसके बाद नंबर 2 पर हम वेदर की भी अपडेट्स देंगे और वेदर भी आपके साथ शेयर करेंगे। इसके बाद नंबर 3 पर जो खबर निकल कर सामने आ रही है वो है फास्ट ODI के बारे में, वो भी है किस तरह की पाकिस्तान ने फास्ट ODI की पिच बनाई है, इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक आसानी पहुँच सके। तो चलते हैं शो का आगाज़ करते हैं और सबसे पहली खबर के बारे में हम आपको बताते हैं कि पाकिस्तान की जो पहले ODI में पिच तैयार की है उसके बारे में हम आपको बताते हैं कि काफ़ी स्लो पिच तैयार की गई है, स्पिनर को बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी, फास्ट बॉलर को इतनी ज़्यादा हेल्प नहीं करेगी। और हम सबको पता है कि जो रावलपिंडी में अगर बारिश नहीं होती तो रात को ड्यू का काफ़ी मसला होता है, क्योंकि ये मैच डे और नाइट है और इसमें रात को सेंकेंड बैटिंग के दौरान काफ़ी मुश्किल होगी, क्योंकि पिच उस वक्त काफ़ी गिल्ली हो जाएगी और बॉल काफ़ी टर्न होना शुरू हो जाएगी। उस वक्त बॉल ज़्यादा टर्न होगी और फील्डर को भी काफ़ी मुश्किलात होगी फील्डिंग करने में, लेकिन बॉल काफ़ी ज़्यादा टर्न होगी और सेंकेंड बैटिंग काफ़ी मुश्किल हो सकती है। इसलिए जो भी टीम पिच के हिसाब से टॉस जीतेगी, स्लो पिच के पिच बनी हुई है, पिच के हिसाब से जो भी टीम टॉस जीतेगी वो पहले बैटिंग के लिए जाएगी। इसके बाद नंबर 2 पर जो खबर निकल कर सामने आ रही है वो है के रावलपिंडी का स्टेडियम का जो रावलपिंडी का जो वेदर अपडेट्स है वो कैसा है। वेदर के लिए बहुत ही खुशखबरी है कि वेदर काफ़ी अच्छा है और सुबह 6-7 बजे से कुछ बादल होंगे, लेकिन जब मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 2:30 बजे शुरू होना है तो उस वक्त बिल्कुल मौसम साफ है, कोई बारिश नहीं है, बिल्कुल ही धूप निकली हुई होगी और बहुत ज़बरदस्त पिच के हिसाब से वेदर भी है और मुकम्मल बॉलिंग को सपोर्ट करेगा, बॉलर को इसमें ज़्यादा सपोर्ट होगी क्योंकि ये स्पिनर को बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी इस पिच में। और इसके बाद नंबर 3 पर जो खबर निकल कर सामने आ रही है वो है पाकिस्तान की फर्स्ट ODI में प्लेइंग 11 क्या होने जा रही है। पाकिस्तान ने जो 12 खिलाड़ी अनाउंसमेंट किए हैं उनमें से 11 खिलाड़ियों को खिलाना है और प्लेइंग 11 बनानी है। इसमें हमें सभी को पता है और कि कौन सी प्लेइंग 11 होने जा रही है। अगर हम सबसे पहले ओपनर्स की बात करें तो ओपनर्स इन 12 में से 2 ही रखे गए हैं, इमामुल हक और फ़खर जमान, और बिल्कुल वही पाकिस्तान के ओपनर्स होंगे फर्स्ट ODI में। और नंबर 3 पर हमारे बाबर आजम होंगे, पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम नंबर 3 पर खेलेंगे। नंबर 4 पर जो रिजू बॉय जो विकेट कीपर होंगे मोहम्मद रिजवान, वो नंबर 4 पर खेलेंगे। और नंबर 5 पर जो है वो साउथ शकील खेलेंगे, वो यंग बेस्ट मैन है और इंग्लैंड में उनका डेब्यू हुआ और पाकिस्तानी क्राउड के सामने वो खेलने के लिए उन्हें मौका मिला और शानदार परफॉर्मेंस देंगे और बहुत ज़बरदस्त वो भी प्लेयर हैं। और इसके बाद नंबर 6 पर जो है इफ्तिखार अहमद को लाया गया है, इसको प्लेइंग 11 में ज़रूर मौका मिलेगा क्योंकि वो बॉलिंग भी अच्छी खासी कर लेते हैं, क्योंकि स्पिनर को बहुत ज़्यादा हेल्प है। तो पाकिस्तान 2 रेगुलर स्पिनर और 3रे इफ्तिखार ऑलराउंडर के साथ ज़रूर जाएगा और इसीलिए नंबर 6 पर इफ्तिखार होंगे। और नंबर 7 पर जो है वो ऑलराउंडर शादाब खान होंगे, शादाब खान बॉलिंग भी अच्छी कर लेते हैं और बैटिंग भी अच्छी करते हैं और पाकिस्तान टीम के वाइस कप्तान हैं, नंबर 7 पर वो खेलेंगे। नंबर 8 पर जो है जो हम बॉलिंग ऑलराउंडर के तौर पर हम हसन अली को भी ऑलराउंडर में शुमार करते हैं, क्योंकि वो कभी कभी ऐसी बैटिंग कर जाते हैं कि पाकिस्तान को हारा हुआ मैच निकाल कर ले जाते हैं और जितवाने में बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। नंबर 8 पर जो है वो हसन अली होंगे और नंबर 9 पर जो है वो शहीन शाह अफरीदी होंगे और नंबर 10 पर जो है वो हारिस रऊफ़ होंगे और नंबर 11 पर जो है वो उस्मान कादिर और जो ज़ैल महमूद है उनमें से किसी एक को मौका मिलेगा और बहुत ज़्यादा चांसेस जो है वो उस्मान कादिर को मौका मिलेगा, ज़ैल महमूद को फर्स्ट ODI में मौका नहीं मिलेगा। और ये हमने आपको प्लेइंग 11 बताई है जो पाकिस्तान की फर्स्ट ODI में होनी है, जो 17 सितंबर से रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक मैच दोपहर 2:30 बजे से स्टार्ट होगा। और उम्मीद करते हैं कि आज का शो आपको हमारा बहुत पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट शो में, ओके, अल्लाह हाफिज़।